कार की टक्कर से बाघ की मौत। हल्द्वानी के फतेहपुर क्षेत्र में तेज रफ्तार कार की चपेट में एक बाघ आ गया, जिसकी टक्कर लगने के बाद बाघ की मौके पर ही मौत हो गई। जैसे ही बाघ की मौत की खबर वन विभाग के अधिकारियों को लगी तो मौके पर आनन फानन में पहुंची वन विभाग की टीम ने बाघ का शव अपने कब्जे में लिया, साथ ही टक्कर मारने वाली गाड़ी को भी अपने कब्जे में ले लिया है। जानकारी के मुताबिक फतेहपुर रेंज की घटना बताई जा रही है, साथ ही वन विभाग के अधिकारी अग्रिम कार्यवाही में जुट गए हैं। वन विभाग के अधिकारियों की जानकारी के मुताबिक बाघ की उम्र लगभग 12 वर्ष की और यह घटना भाकड़ा पुल के पास हुई है, जहां तेज गति से आ रही इनोवा कार ने बाघ को टक्कर मारी है, जिसके बाद बाघ की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बाघ का वजन 170 से 180 किलो के बीच है। फिलहाल वन विभाग मामले में टक्कर मारने वाले आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। गौरतलब है कि एक साल पूर्व भी इसी रेंज में आपसी संघर्ष में एक बाघ की मौत हुई थी और आज फिर से सड़क दुर्घटना में एक वयस्क बाघ की मौत हुई है। पहले से ही देश में बाघों की संख्या को लेकर सरकारें चिंतित रही हैं। इसके अलावा बाघों के संरक्षण के लिए भी कई कार्य हुए हैं, पर हल्द्वानी रामनगर मार्ग में वन्य जीवों की बढ़ती तादाद को देखते हुए फिलहाल इस तरह कोई कार्य नहीं किया गया जिससे कि वन्य जीवों की जान को बचाने का प्रयास किया जा सके। ऐसा है साहब, हमारे जो सातू गाँव है, सातू राजस्व गांव जंगल के किनारे हैं, जंगल से लगे हुए हैं। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जो मेन रास्ता है, जो गांव वालों का रास्ता है, वो भी यही है और 10:30 बजे हाथी आ जा रहे हैं। अगर इत्तफाक कोई जनहानी हो गई तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मेन रास्ता यही है और वो इतना वो हो रहा है निडर कि वो 10:30 बजे खेतों में आ गया है और गन्ने का नुकसान कर रखा है। छोटे छोटे किसान हैं, किसी की 2-4 बीघा गेहूँ को, अभी तो गेहूँ छोटा है, अब ये कल परसों को बड़ा होता है तो ये तो बिल्कुल फसल चौपट कर देगा। तो थोड़ा सा इसके विषय में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, इनके उनको सूचना, रैन साहब को भी सूचना दे दी गई है और इनको भी सूचना दे दी गई है। थोड़ा सा इन मामले में अगर ये गंभीरता से लें या कुछ इसको गश्त बढ़ाएं अपनी, तो ये थोड़ा सा रुक सकता है नुकसान। और हमारा गांव जंगल के किनारे स्थित है और बीचों बीच रास्ते से इस प्रकार से रोजाना हाथी 9-10 बजे ही शाम को गाँव में घुस आ रहे हैं, तो फसलों के नुकसान के साथ साथ हम लोगों को जान माल के नुकसान की ज़्यादा बड़ी चिंता है। पर वन विभाग इन हाथियों को रोकने के लिए या तो सोलर फेंसिंग लगाए या फिर किसानों को शस्त्र लाइसेंस दे करके इनको भगाने के लिए अनुमति दे। तो कौन सी ग्राम सभा का मामला? ये हमारा रतनपुर बैलपड़ाव ग्राम सभा का मामला है और आज जंगली जानवर को हम हटहुट भी नहीं कर सकते वन विभाग के नियमों के तहत, लेकिन हमारी जानवाल जानवरों से भी ज़्यादा सस्ती हो गई, जो कि विचारणीय विषय है।